नमस्कार, मैं हूं सपना खंडेलवाल, योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड ऑथर ऑफ एमेजॉन बेस्ट सेलर अनलीश द शक्ति विदिन, क्रिएटर ऑफ इंडिया सारी चैलेंज फेसबुक ग्रुप टू मोटिवेट वुमेन टू वेयर द ब्यूटिफुल सारी एंड कीप आवर हेरिटेज अलाइव, एंड एन एंटरप्रेन्योर फॉर द लास्ट 30 इयर्स डूइंग माय ओन बिजनेस ऑफ रेनोवेटिंग प्रेशियस ज्वेलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड को-फाउंडर ऑफ देवदीदी फाउंडेशन. देवदीदी फाउंडेशन is a socio-cultural organization that works for empowering women to empower themselves to lead completely enriched lives by participating in our numerous online and offline educational and entertaining programs. Devdevi Foundation ek aisi sansthā hai jo har varg ke aur har umr ki mahila ko sashakt karne ka kaam karti hai, phir ve chahe plain and simple होम मेकर्स ही क्यों ना हो. देवदीदी फाउंडेशन एक स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और ये जो सीरीज चल रही है ये देवदीदी फाउंडेशन के तहत ऑनलाइन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज चल रही है जिसमें हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स और स्पीकर्स लाते हैं आपकी लाइफ को एनरिच करने के लिए, वैल्यू एड करने के लिए. और आज का मेहमान एक बहुत ही स्पेशल बच्चा ही बोलूंगी, मेरा बेटा है, मैं उसकी ताईजी हूँ और वन्ना दी उसकी बुआ है और वो प्रेजेंट कर रहा है. सो इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड, हम सब के लिए बहुत प्राइड है और बहुत होनहार बच्चा है. पढ़ लिख के आया है, फैशन फोटोग्राफी करता है और अब मैं वन्ना दी को फाउंडर ऑफ देवदीदी फाउंडेशन को इन्वाइट करती हूँ, वो आपको एड्रेस करे और वेदांत को इंट्रोड्यूस करे. Thank you, Sapna Bhabhi, and namaste to all. I am Vandana Gupta, stockbroker. Meri journey 30 saal pehle shuru hui jab maine ek financial company chalu ki and I ran it successfully. Aur fir to do my bit for the society, co-founded Devdeeti Foundation. Devdeeti Foundation mein jaise Bhabhi ne bataya, we are doing lot of socio-cultural programs to enrich our lives and our culture. Hum sirf कल्चरल उस पर काम नहीं कर रहे, हमारे और भी वर्टिकल्स हैं. वी आर सेंसिटिव टू आवर एनवायरनमेंट आल्सो एंड फॉर दैट वी हैव टाइम टू टाइम ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स, वेस्ट मैनेजमेंट वर्कशॉप्स एंड हम लोगों की पूरी ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक्स एंड डिस्पोजेबल्स. और जो मेन वर्टिकल हमारा देवदीति फाउंडेशन का है जो आजकल हम सबको बहुत प्रिय है, द वेरी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड देवदीति ह्यूमैनिटेरियन बैंक, जिसमें हम लोगों की लेसर प्रिविलेज लोगों की मदद करने के लिए आतुर रहते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, पहले वी ट्राई एंड फाइंड आउट वेयर द हेल्प इज नीडेड एंड व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज नीडेड, और फिर हम अपने मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं टू गिव देयर टाइम एंड रिसोर्स टू रीच द लेसर प्रिविलेज. वी इनफैक्ट एक्ट एज अ वी ट्राइंग टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स. रिसेंटली हमने COVID-19 के लिए भी पीएम केयर में दिया और एक स्कूल हम सपोर्ट करते हैं गढ़गंगा में, जिनकी जो आजकल एक शेल्टर होम बना हुआ है COVID-19 के लिए, उसके लिए हमने टीचर्स की सैलरी के लिए थोड़ा अमाउंट दिया. तो मैं हम देवदीति फाउंडेशन की तरफ से हम सब आपको एनकरेज करना चाहते हैं कि आप प्लीज ज्वाइन करें हमारा हाथ टू रीच द लेसर प्रिविलेज. एंड विद दिस नोट ऑन देवदीति फाउंडेशन आई इन्वाइट माई नेफ्यू वेदांत. Vedant abhi 25-26 saal ka hi hai and he's done his fashion photography from America. Aur ye main isse bhi puchungi isne kyon photography choose kari out of the blue, jabki he comes from a business family and he's going to give us some very nice tips on our everyday mobile photography. Aur jo aaj kal ki demand hai, jo aaj kal hame zarurat hai, video conferencing ke etiquettes ki, जो हम सबकी एक लाइफलाइन बन गई है, उसके लिए मैं वेदांत को इनवाइट करती हूँ. वेदांत, नाउ इट्स इन योर हैंड, टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड. थैंक यू बुआ, थैंक यू ताई जी. हाय एवरीवन, आई एम वेदांत एंड ये मैं पहली बार कर रहा हूँ तो सॉरी अगर मैं थोड़ा नर्वस हूँ. आई स्टार्टेड फोटोग्राफी इन 9th grade. तब आई थिंक मैंने स्कूल में शुरू की थी फोटोग्राफी क्लास, फोटोग्राफी ग्रुप ज्वाइन किया था जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू नॉट गो फॉर
हाउस क्लासेस और थोड़ा सा स्किप करना था, तो फिर थॉट के सच इसमें टाइम मिल जाएगा, आई कैन रूम अराउंड अ लिटिल बिट. लिटिल डिड आई नो दैट आई एक्चुअली वुड रियली गेट इनटू इट. सो आई स्टार्टेड फोटोग्राफिंग gardens in the school and like taking pictures of flowers, like macro shots, really close up and like colorful. And वहाँ से थोड़ा praise मिला मेरे teacher से, and then फिर मैंने घर पे दिखाया तो सब लोग, everyone in the house were like really happy, wow, like you know such beautiful colors and whatnot. तो उससे बहुत ज़्यादा push मिला था मुझे, and that was a really good dopamine rush. I think about it now. And उससे बहुत जो push मिला उससे then I thought के like then I think me and mom talked about it and सोचा कि चलो उसमें क्लासेस लेते हैं. लाइक सर ने भी बोला उसमें और थोड़ा सीख लो शायद इंटरेस्ट आ जाएगा, एंड उसी से इंटरेस्ट आया. एंड देन फिर आई टुक सम क्लासेस इन दिल्ली दो साल एंड लर्न मोर बेसिक्स ऑफ इट. तो और इंटरेस्ट बढ़ते गया एंड देन रियलाइज आई रियली वांट टू गेट इनटू दिस. आई डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली आई विल डू इन फोटोग्राफी बिकॉज़ फोटोग्राफी बाय इटसेल्फ सच अ वाइड गैमट ऑफ वर्क दैट यू कैन डू इन इट. बट मुझे बस पता था फोटोग्राफी करनी है एंड इसमें मेरा दिमाग जा रहा है. सो या लाइक बुआ एक्चुअली हेल्प मी फाइंड अ कॉलेज इन द यूएस दैट एक्चुअली वाज कंप्लीटली फोटोग्राफी बेस्ड. एंड सो या दैट्स व्हेन आई वेंट टू कैलिफोर्निया सांता बारबरा जहाँ पे मैंने फोटोग्राफी सीखी 3 साल. उसके बाद मैंने एलए में काम किया 1 साल. फिर आई डिसाइडेड टू गो फॉर माई मास्टर्स. दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे फैशन फोटोग्राफी करनी है. वो टाइम 3 साल सांता बारबरा और एलए में 1 साल, धीरे धीरे मेरा काम ऐसे बढ़ते गया कि इट वॉज अलाइनिंग मोर विद फैशन वर्क एंड मोर पोर्ट्रेचर. तो उधर से फिर मैं न्यूयॉर्क गया SVA. वहाँ पे मैंने फैशन फोटोग्राफी में मास्टर्स की एंड न्यूयॉर्क बाय इटसेल्फ इज सच अ बिग फैशन हब, तो इट वॉज जस्ट द बेस्ट प्लेस टू बी. And हाँ, तो ये फिर मेरी this has been the like my journey for the last 7 years, 7.5 years almost. हाँ, and yeah. So that's about Vedant's history of getting into photography, and now Vedant, we all are looking forward for the tips. Absolutely. पहले चलो मैं अपना PDF करता हूँ. So, वेदांत वन्नदी के छोटे ब्रदर संजय का बेटा है. संजय और अंशिता का बेटा है. वो क्लियर नहीं हुआ तो मैं बता रही हूँ कि बुआ जो बोल रहा था वो वंदना बुआ को बोल रहा था. वंदना दी ने इसको गाइड करा था कॉलेज के लिए, US के कॉलेज के लिए. थैंक यू ताहिर जी, थैंक यू. सो मैंने थोड़ा छोटा सा PDF बनाया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, एंड देन टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ आई कैन एक्सप्लेन. कहीं भी इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग प्लीज फील फ्री टू राइट डाउन द क्वेश्चंस, एंड आई एम श्योर मुझे लग रहा है कि बहुत चीजें शायद मिस हो सकती है एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनीथिंग. इसमें मेरी वेबसाइट और इंस्टाग्राम अगर आप लोगों को चेक करना है तो ये थोड़ा सा मेरा काम है स्टार्टिंग में. सम फोटोज दैट गॉट फीचर्ड इन वोग इटालिया अ फ्यू इयर्स अगो. Some beauty work that I've done, and some more photos that got selected in Vogue Italia. So, mera mainly focus raha hai fashion and portraiture mein. And then, jo left wali hai, wo Paris mein ki chiz hai. Jo right wali hai, wo New York mein fashion mein ki chiz hai. So, moving forward. So, I thought we'll start with phone photography and. जो मेन चीज हम सब लाइक सीखना चाहते हैं, लाइक जिसमें हम लोग यूजली खींचते हैं लाइक सेल्फी या जो सभी ले रहे हैं आजकल, एंड लाइक नॉट एवरीवन डज इट प्रॉपरली. एंड देन प्रॉप्ड अप पिक्चर्स विल बी समथिंग वेयर लाइक हम लोग फोन अपना सेट करके या जो भी डिवाइस आपके पास वो आप सेट करके देन यू कैन टेक पिक्चर्स विद इट. देन फिर लाइटिंग, मेजर थिंग इज लाइटिंग. कैसी लाइट आ रही है आपके घर में, कहाँ से आ रही है, उस चीज को मैं डिस्कस करूंगा सो दैट यू नो व्हाट टू लुक फॉर एंड कैसे देखना है उस लाइट को. सो आपकी फेस, आपका पूरा लाइक लुक सबको सब कुछ अच्छा लगे, स्पेशली ऑल द पीपल इन देवदीति जो अपनी लाइक साड़ियों में फोटो खींचना चाहते हैं बेस्ट लाइट में, इन बेस्ट नेचुरल लाइट में सारे कलर्स नजर आए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन कैमरा सेटिंग्स दैट वुड हेल्प विद इट.
So moving forward on that, selfie first and foremost, सब लोग भूल जाते हैं उनका कैमरे का लेंस गंदा हो रखा है, ये वाला आगे वाला पीछे वाला. Simplest thing to do is find your sunglasses का box, a glasses का box. Take this cloth, कोई भी soft cloth चलेगा, but like just take a soft cloth and just clean it. Clean the lens, very important to clean the lens. And major problems आपकी photos में होती हैं कि अच्छा नजर नहीं आ रहा है, अच्छी नहीं लग रही है. That will be the best thing to do to like start from. Then the second thing would be to like keep your phone eye level. And like इसको मैं भी थोड़ा detail में जाऊँगा इसमें. And then बहुत भारी लोग अपने like इसे don't keep it on the right level and फिर थोड़ा नीचे हो जाता है, आपको double chin नजर आ रही है या फिर बहुत ज्यादा हाई कर दिया फिर वो होता है. तो उसका मैं आपको परफेक्ट एंगल बताऊंगा कैसे देखना है अपने आपको, किस फ्रेम में रखना है अपने आपको, अगर आप सेल्फी ले रहे हो कितना दूर रखना है, कहाँ देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड लकीली माई मॉम हैज हेल्प मी मॉडल इन दीज पिक्चर्स टू शो यू गाइस हाउ टू डू दिस. सो दिस इज अ वीडियो ऑफ हर जस्ट क्लीनिंग द लेंस. Let's see. Oh, this is not working. Okay. Basically, this is before cleaning lens, and this is after. आपने बहुत बार देखा होगा सब लोग के कैमरा से धुंधला सा आ रहा है, and उस like उसको clean करने के just like take that cloth, clean it. 2 seconds लगेगा. जब time मिले को सब अपने phone लगाते हैं यहाँ पे कुछ भी करते हो सब oil लगता है इसमें. तो just like clean it immediately. Best thing to do. Second lighting. Lighting, lighting, lighting. तो इसमें यहाँ पे I asked mom to take a picture जहाँ पे वो सोफे पे बैठी है वहां पे लाइट पीछे से आ रही है. तो इम्पोर्टेंट क्या है, लाइट की इम्पोर्टेंस जहाँ पे आपके फेस पे लगे. तो इसमें लाइट पीछे से आ रही है तो मॉम डार्क हो गई है. अब इसमें एक ऑप्शन क्या होता है, बहुत बार हम फेस उसमें कैमरे में टैप करते हैं जहाँ पे हमारा फेस है. अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फिर जहाँ पे वो कैमरे पे आप हो तो wherever you want the light to be perfect on the photo, आप उस जगह टैप करो उसको, वहां पे टाइप करो. जैसे हाईलाइट्स होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है ना लाइट में, वहां पे टैप ऑन द स्क्रीन, वहां पे वो उसको करेक्ट करेगा. तो उसी में मॉम ने व्हेन लाइक शी टैप्ड ऑन इट, इट करेक्ट्स इट फॉर हर. तो उसमें थोड़ा सा लाइट ऊपर ज्यादा आ गया, विच इज नाइस, इट्स मच बेटर, बट वी स्टिल वॉन्ट मोर लाइट, वी स्टिल वॉन्ट बेटर लाइट. तो फिर द बेस्ट थिंग टू डू इज टू बी आइदर इन फ्रंट ऑफ द लाइट or right next to it. So yahan pe kya hai, I asked her to be on the right next to the big window. Us badi window se aapke pure face pe achhi light aati hai, and then aise side lights se aapka face thoda thin bhi lagega, usse aapka face structure better lagega, aapko soft light aa rahi hai. So find the biggest window possible in your house and use that. Usme jahan pe sunlight aa rahi hai wo bahut achhi hai, like especially mujhe like I used to miss Delhi ki light. न्यूयॉर्क में वो लाइट नहीं थी जो यू नो बिल्डिंग के बीच में नहीं थी, यहाँ पे दिल्ली में आपकी लाइट मिलती है, बॉम्बे में भी बहुत लाइट मिलती है, मोस्ट ऑफ इंडिया जहाँ भी जाओगे देयर इज अ लॉट ऑफ सनलाइट एंड मोस्ट हाउसेस विल हैव दीज बिग विंडोज. तो फाइंड दैट बिग विंडो, सिट नेक्स्ट टू इट, स्टैंड नेक्स्ट टू इट, फाइंड अ गुड बैकग्राउंड, टेक पिक्चर्स विद इट. फिर देन आई डिड लाइक मैंने पर्दे बंद कर दिए, देयर इज डार्कनेस ओवर देयर. What to do? Find a big lamp. यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा बड़ा lamp नहीं था, so I'm just showing a tiny lamp. Even that can do wonders. That is next to her. उसको मैंने books के ऊपर रख दिया है, वो height बढ़ा दी मैंने, so that it's next to our face. अगर बड़ा lamp होगा तो वो आ जाएगा fit side में, and सामने भी होगा तो भी अच्छा है, side में होगा तो भी अच्छा है, and आपकी जो light है face पे, it will be very nice and very soft. Find a nice lamp, जो warm light होती है, it looks nicer on the skin. जितनी blue lights होती है, जितना आपके white light होती है, it looks slightly unnatural. Warm जो होती है, थोड़ी inviting होती है, it looks really good on the skin. तो try to choose room or your bathroom also, जहाँ पे आपके yellow lights लगी हो, because like बहुत बार देखा होगा, बहुत लोग अपनी photos bathroom में खींचते हैं, because वहाँ पे light अच्छी लगी थी मेरे के सामने, yellow light लगी होती है, warm light लगी होती है, तो फिर looks really nice on the skin, on the face. So find that big lamp, find the big yellow or warm lamp to take picture next to. Agar aapke paas bada lamp nahi hai, that is fine. And aapke sirf house lights hain. One second. Agar aapke sirf house lights hain, to fir aap usko
जो हाउस लाइट्स है ऊपर सब लाइट्स हैं, ट्राई टू नॉट कीप द लाइट राइट अबव यू. ऊपर लाइट रहने से क्या होता है, यहाँ पे शेडोज आने लग जाते हैं, सो इट डजंट लुक नाइस. ट्राई टू फाइंड द लाइट जो आपके सामने हो. लेट्स से बड़ा सा कमरा है, वहां पे अलग अलग जगह से लाइट लगी है, सो सिट इन वन कॉर्नर बट हैव द लाइट्स ऑन फॉर द अदर कॉर्नर. तो उससे आगे से लाइट आपके ऊपर आ रही है इंसर ऊपर से. ऊपर से क्या होगा, यहाँ पे शेडोज आएंगी एंड इट विल लुक लाइक वेरी अच्छा नहीं लगेगा देखने में. So even if I scroll through all the videos that are on right now, I can see like some people have it above, some people have it in front, some people have it in back. Meetai ji bilkul window ke samne baithi hai, to unki shakal nazar hi nahi aa rahi hai. So these are the things that you think about when you're like taking pictures or whatnot. So try to have the light in front of you as much as possible. Bilkul samne hai to perfect hai, agar side mein hai to aur bhi acha hai, depend karta hai aapka face structure kaisa hai. But look for it, you'll find it. Another easiest thing to do to see the light is your hand. Bahut bright ho jayega actually. If you just see your hand and there you go. Agar aap sirf haath dekhoge and then if I move the light toward, you see it's a backlight ho jayega. So okay, this is not helping right now. Basically, imagine your hand is your face. Imagine hand is your face and jo aapke aas paas light hai, just look through aise. Apne saamne rakh lo and then you see either shadows on your hand or you see a light. Jo fingers hai, iske aas paas shadow nazar aayega. Imagine this finger is your face. Agar left mein shadow aa raha hai, aapke face mein shadow aayega. You just have to turn around once you find the light. Aise dhoonda, achha to ab aap uski taraf aa jao, jo aapko achhi lag rahi hai, jahan pe light aapke haath pe achhi aa rahi hai. Aap sab apne ghar pe try kar sakte ho. जहाँ पे भी लाइट आ रही है, अगर आप विंडो के बगल में जाओगे साइड से नजर आएगा, विंडो के सामने जाओगे ऐसे उल्टा आपके पीछे से लाइट आ रही है तो आपको नजर आएगा. यू जस्ट हैव टू स्विच बैक कि जहाँ पे आपका हाथ आपका फेस आ जाए. तो जैसे ग्रुप फोटोज लेनी है, सिंपल थिंग, जस्ट फाइंड द लाइट लाइक जैसे हाथ से सबको उधर खड़ा करो एंड देन टेक अ पिक्चर विद एवरीवन और लाइक हैव योर पिक्चर टेकन ओवर देयर. मूविंग ऑन, so that was lighting, that is major, try to remember that as much as possible. The next thing is aap apna phone ya iPad jo bhi device hai, just you keep it somewhere so that it's leveled somewhere and then aapki puri picture aa jaye, aapke face picture aa jaye, so you don't have to hold anything. To find a table, whatever, like keep your phone on a, like bahut bari main to apna phone aise bottle ke samne aise rakh deta hu, it just stays like that ऐसे टेबल पे एंड देन आई एम जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड टेक अ पिक्चर. हाउ, लाइक पुट अ सेल्फ टाइमर ऑन इट. सेल्फ टाइमर है और लाइक 2 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 7 सेकंड्स, जितना भी आपको लगे उधर जाके खड़े होने, अपने आपको देख लो, सेल्फी पे नजर आते रहेगा आपको एंड टेक अ पिक्चर आफ्टर लुकिंग फॉर दैट लाइट ऑफकोर्स. यूज डार्कर बैकग्राउंड्स और नाइस बैकग्राउंड्स. लाइक अभी तो मेरा भी बहुत ऐसे वाइट है, बट if you look for a place in your room, in your house jahan pe like painting lagi hai ya fir thoda darker hai piche, but aap like you stand out if the light is on you and piche light kam hai, try to keep the background as distractionless as distraction free as possible. Taiji, if I'm missing out on anything, please let me know. And Renu ji had a message ki clear nahi hai. Renu ji, kya clear nahi hai? Maybe you can take up the questions later on. Achha, wo haath wala point clear nahi hai beta. The okay. Maybe you can do it later. You can revise it. Yeah. Yeah. I can go over there again. Main to demo bhi kar dunga. Abhi bahut zyada sunlight aa rahi hai, to this camera is not able to handle that also. So yeah, lighting isme maine aapko cover kar hi diya already. So yeah, bhai, like natural light as much as possible, big windows, softest light possible aati hai isse. रात को वही है, आप फाइंड द लैम्प और फाइंड द लाइट्स दैट वर्क फॉर यू एंड फाइंड द वार्मेस्ट, लाइक फाइंड द वार्मर लाइट्स पॉसिबल. इसलिए लाइक मुझे भी लगता है घर में वाइट की जगह मोर वार्मर बल्ब्स लगाने चाहिए, लाइक इट लुक्स मच बेटर ऑन द स्किन आल्सो फॉर द फोटोज एटलीस्ट. आई एम श्योर एवरीवन हैज अ डिफरेंट ओपिनियन, स्पेशली माय मॉम ऑन इट टू. कैमरा सेटिंग्स, सो this is one thing that I don't know how many people know this or not, but I still cover it.
So one thing was when you're taking a picture and let's say aap kisi aur ke liye rahe, aapne like some saree on like saamne rakha hai. I feel like I keep coming back to saree because of Devdutti. So jahan pe jaise let's say आप किसी अपने फ्रेंड की फोटो ले रहे हो साड़ी, ठीक है, वहां पे आपको लग रहा है आपकी लाइट थोड़ी एडजस्ट नहीं हो पा रही है, आइदर टैप ऑन द फेस एंड इफ इट डजंट हेल्प, आप जब यूजली टैप करोगे आईफोन या एंड्रॉइड दोनों में देयर इज अ प्लस माइनस साइन दैट शोज अप, इफ यू टैप ऑन इट एंड यू स्लाइड डाउन, आईफोन में स्लाइड डाउन होता है, अगर बहुत ज्यादा ब्राइट है तो आप स्लाइड डाउन करोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो थोड़ा लाइट कम हो जाएगी एंड लुक मच बेटर, बट अगर लाइट कम है and you want more light, तब उसको tap करके you go higher on it, तो उससे light बढ़ जाएगी. Then बहुत सारे phones में आजकल HDR setting है and which basically means बहुत bright. Vedant, yes. एक question, ये जो plus yeah. minus का बताया था, can you show it on your phone where? Yeah, yeah. But you need to first stop the screen share and so that everybody can see on your big. Right. Able to see that, beta. So stop the screen share now, yeah. And then will you go back to screen share? So basically, everybody. You're breaking, Manadi. So you'll have to use it. You can see Vedant. Speaker yeah. view, pick it. Go ahead, Vedant. Everybody, please do it on a speaker view. So basically, let's say, find the position. This may reduce the brightness. Now if everyone can see me, right? तो यहाँ पे अब लग रहा है जहाँ पे मेरे पे फेस पे लाइट बहुत होता है, just tapped on it. तो ये मेरा प्लस माइनस यहाँ पे आ जाता है. Okay. So tap किया, ये सर्कल आ रहा है, ये एंड्रॉइड में है. And if it dark हो गया, see like इसको माइनस करा, डार्क हो गया and ये प्लस होके ब्राइट हो जाता है बहुत. अब डिपेंडिंग जैसे अगर आपकी लाइट कम है तो यू गो ब्राइट आउट. अब यहाँ पे मेरी लाइट बहुत है, मिडिल में नहीं आ रहा है, तो आई एम गोना गो लोअर एंड फाइंड द स्वीट स्पॉट जहाँ पे स्किन अच्छी लग रही है मेरी या बाकी कपड़े भी अच्छे लग रहे हो. एंड आईफोन्स में यूजुअली यू विल सी इट, टैप इट एंड यू गो अप और डाउन. ओके, ग्रेट ग्रेट. या आई हैव गॉट दैट. कैन सी रश्मि जी आल्सो डूइंग इट, आई डोंट नो. शुड आई मूव ऑन फ्रॉम दिस? या थैंक्स. या अच्छा, आई विल जस्ट लाइक मेक पीपल डू इट देन सामने. तो HDR सेटिंग में होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइट फेस हो या फिर लाइट हो एंड पीछे बहुत डार्क हो सडनली, या फिर लाइक इमेजिन यू हैव अ लाइटर स्किन और वाइस वर्सा एंड यू हैव अ ब्राइटर साड़ी और डार्कर साड़ी एंड लाइटर स्किन, तो बहुत बारी वो टोन का डिफरेंस आ जाता है. तो दैट इन दैट प्लेस जब आप HDR को ऑन रखोगे, यू जस्ट हैव टू गो इन टू योर सेटिंग्स. Usually HDR on rehta hai. All the new phones have it. They usually switched on. So it should be working by itself. And if not, just look for it. Aapke settings mein hi, you'll see HDR. And usse it'll balance out the tones for you. The other thing was, I prefer not using flash. Aap jitna kam flash use karoge personal photos ke liye ya fir kisi cheez ke liye, it's better because flash se wo direct aise light aati hai and any oil or anything that is there will show up and it does not look nice. इसलिए I just prefer. हाँ. Vedant request है, ये slide हटा के ना. Yeah. Please slide हटा दे, then people okay, would like okay. to see you talking then seeing the slide. All right. So बहुत बारी क्या होता है जैसे like there be oil, मेरी skin बहुत oily है, तो अगर मेरे flash आते हैं तो यहाँ पे spots आ जाते हैं. I'm sure a lot of people feel this, especially India में हमारे बहुत sweat आती है तो वो नजर आती है. So one way is either you just like damp your skin, but prefer not to use flash. Flash se wo chamkega, agar thoda skin mein kuch problem hai wo bhi nazar aati hai. Try to find softest light possible, which is big windows. Big windows, big lights. Bade lamps hain, bade chandeliers hain, uske samne khade ho jao. It looks beautiful, warm light hai, perfect lagta hai wo. And skin aapki bahut achhi lagti hai, and like the whole body looks good. Then some phones have these scene modes. I think some Android phones have these scene modes. जहाँ पे जैसे अगर आप scenic photos खींचो तो हिसाब से वो colors change कर देता है
और जैसे अगर आप अपने लाइक खुद की फोटोज खींचो तो पोर्ट्रेट का कलर चेंज कर देता है, तो दैट्स समथिंग यू कैन लाइक फिगर आउट उसमें प्ले विद इट, एंड इफ यू वांट लाइक मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता सकता हूँ उसके बारे में, बट इट्स यूजुअली वर्क्स ऑन लाइक अगर आप देखोगे उसमें बस सेटिंग ऑन कर दो, इट विल मेक द पिक्चर्स बेटर बिकॉज आजकल नए फोन में वो AI है, उससे वो खुद से इट हैज स्टार्टेड डिटेक्टिंग व्हाट यू शूटिंग एंड इट हेल्प्स विद दैट. Taiji, should we move on to video calls? Is there anything you want to cover in this? No, I think you're good to go with that. You can proceed. Anybody has a question in between? People want to know if he will be sharing the presentation, and I said yes. So we absolutely will be shared. Yes. I think Neetu ji has a question. Who has a question? Srajna, you want to unmute? Whoever has a question. Oh, probably we can do the questions later. Vedant, you can carry on, bachi. Okay. All right. So video calls or video conferencing, जो हम सब अभी कर रहे हैं, इसमें I'm gonna talk to everyone यहाँ पे, and maybe if anyone wants, I can help with how to change your light right there and then. मैंने I actually chose यहाँ पे big window थी, सुबह light अच्छी आती है, दोपहर में बहुत धूप आती है, तो इसका मैंने पर्दा कम कर कर, cause ये करूँगा तो बहुत bright हो जाता है. Otherwise, the reason I chose this was because ये मेरे wall पे पड़ता है and it lights up me very well. If not, रात को मैंने ये कर रखा है, I have a lamp that is on my wall and it's lighting me. The other option is Taiji has Sapna Taiji has put a light right above her camera and उनको light करता है, perfect है. तो ये सब जैसे like I'm gonna cover all of this actually properly. I went ahead of myself also. Few things to cover: looking presentable, looking for the right light again for this, camera angle and setup for it, some additional settings for Zoom or other apps that we can use, and audio and mic, which a lot of us might have a problem with, especially being in our houses with a lot of people. So looking presentable, very important for yourself, honestly. Agar aap kisi birthday ke liye, because aajkal hum sab birthday ya anniversary ke video calls kar rahe hain, sab saath mein baithte hain, milte doston se, everyone talks slowly one by one, trying to not get impatient with each other also. But be dressed for the occasion, because abhi hame pata nahi hum next kitna bahar ja payenge, kab ja payenge, when is it safe or not. So until then, why, like, you are at home, be comfortable, but dress up for yourself. If it's a lunch thing, dress up for that how you would. If it's a birthday, agar aapko unke liye dress up karna hai, do that. Even if it's 60% of it, just do it. Aadha karna hai, aadha kar lo. Be happy with it. So that it just makes you feel happier and aap acche bhi lag rahe ho, aapko acha bhi lag raha hai. Doesn't matter ki like aapki family mein aapko dekh raha nahi dekh raha. Like koi aapko poochne ki zarurat nahi, main acha lag raha nahi lag raha hu ya lag raha hu. So just do it for yourself. Apne video mein dekhoge, apne doston ke saath ho, they'll be happy. Acha, you dressed up for them. They might just join you in dressing up anyways. So fir wo like thoda activity badh jayega, because anyway we are at home, like we're trying not to do as much. Yeah, like zyada kuch karne ko nahi, itna effort nahi lagate bahut bhai. So that's I think major, like do it. And people who are working, unke video conferencing ke liye definitely dress up. And especially Dev Diti ke liye saadi pehen rahe ho, sab apne aap ko dikha rahe ho, like they have this really nice saadi. For sure, definitely do it. Looking for the right light again. I think I've covered this a lot and I will reiterate: big windows, big lights, possible as much as possible. So some of you have overhead lights on, some of you have side light, as a window key light aa rahi hai, and some are just like thoda peeche se bhi light aa rahi hai, and my Taiji has moved places now, so I can see her. So and bua, like Manda bua, I made her sit next to the window last time and she's sitting there. So best thing to do is find that light. Jaise Taiji, is it fine if I talk to anyone? And go ahead, who do you wish to speak to? We have to them. At the moment everybody's on mute. Who do you I can't see his name, but he has a really nice beard, white beard.
iPhone से connected हूँ. If you're fine with it. Okay. हाँ, hi. हाँ जी. You can. The person is unmute. Go ahead. Vedant. For you, I think आपकी light बिल्कुल आपके पीछे है. Just if you just turned around, अगर अपने left की तरफ turn करोगे. Yes, right. Perfect. Now, like your light is right on you. Instead of पीछे से आपके बिल्कुल सामने. अब आप पीछे white बोला. अब आपको बस figure out करना है आपको अपना जो device है सामने कैसे रख दो. इसमें मैं next पे जाऊँगा जहाँ पे like you know how to place your phone or like your device. So it's perfect for you. तो ऐसे है like you look for the ऐसे turn करो. Just see your face. आपको नजर आ जाएगा. जैसे आपने थोड़ा सा turn किया light आ गई. अब आप वापस जाओगे you'll see पीछे light हो जाएगी आपके. जहाँ पे भी आप comfortable थे. That's totally fine. Like you can go back to where you are. Kanchan Khurana has a question. Kanchan, is it regarding this only? Kanchan, I'm trying to unmute you. Yeah, maybe we can ask later. नहीं आप unmute. हाँ भी late. Let it be later. Let it continue. Okay. Continue. Okay. So ये है light का. You just like move around, see where the light is. Try to find तो कुछ लोग ऐसे थोड़ी green सी light आ रही तो हो सकता है ट्यूब लाइट लगी हो. बहुत बार ट्यूब लाइट्स में थोड़ा ग्रीन हो जाता है. वो उसका टेम्परेचर ही ऐसा है. वो हमें लाइक नेकेड आई से यूजली पता नहीं चलता है. बट आप उसको कंपेयर करोगे एक वार्मर लाइट से यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस. आप अपनी स्किन पे देखोगे थोड़ा ग्रीन कम लगेगा. एंड आई सी आई कीप सीइंग रश्मि जी उनके सामने बिल्कुल सामने वीडियो है. तो आपके लाइक आपका थोड़ा सा ग्रीन लग रहा है. बट लाइक इफ यू फाइंड अ येलो लैम्प warmer, it will make a difference, huge difference. Then camera angle and set. I'm going to go back to the PDF. Isme actually main thode examples aur diye the yahan pe. Jaise backlight hai to aapka aise bilkul dark ho jayega, especially on laptops or iPads. It will not correct it for you. But apne if you'll go in front of the window, it will look much better. And just up right में देख सकते हो उसमें. Then यहाँ पे I've put like ये same place I'm sitting right now. ये this is in the morning, so it looks perfect because direct sunlight नहीं आ रही थी है. And it looks very soft. And जो side light है, it make actually makes my face look thinner than it is. Because ये trick है. अब अपने अगर आपका face थोड़ा round है, like find the light which is coming from side. सॉफ्ट हो, थोड़ा सा शेडो आएगा लेफ्ट या राइट में, इट विल मेक योर फेस लुक थिनर आल्सो, स्पेशली इन फोटोज एज़ वेल. देन वन अदर थिंग टू डू इज़ व्हेन यू वीडियो कॉलिंग, आप अपने लैपटॉप या आईपैड की स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं सो दैट इट विल ब्राइटन अप योर फेस फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ द आईपैड और ऑफ द लैपटॉप इवन फोन, क्योंकि उसकी खुद की ब्राइटनेस है विच विल शाइन ऑन यू. So that's there. Also, if you're video conference, otherwise best thing is to have a lamp next to you. Camera angle. Up, find the camera. So, isme I'll stop the share a second. We all know where the camera is. Like we can just like point our finger and see where the camera is, right? So you find the camera and then you see if it's eye level to you. I have tried my best to find this eye level, and this may like you know. थोड़ा सामने है. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज इफ वी हैव इट राइट बिलो अस, बिकॉज़ बहुत बार आईपैड जैसे मेरा टेबल इतना नीचे है. नाउ दैट डज नॉट लुक दैट फ्लैटरिंग. मेरा ऐसे चिन नजर आ रहा है लाइक ऊपर से ऐसे. इट्स नॉट दैट फ्लैटरिंग एज मच एज इफ आई कीप इट हायर जस्ट एट आई लेवल. आई लेवल पे हो तो यू नॉट लुकिंग डाउन, यू नॉट लुकिंग टू हाई, जस्ट लाइक जस्ट स्ट्रेट. This is the best way because आपकी back भी straight रहेगी. You look directly into the camera and then you know आपके ऐसे double chin अगर हो जाता है या है like वो नजर नहीं आएगा. You can sit straight and look straight and then perfect. The best thing is इसमें like that's what I did with that's what I do when I video call for work also. Just नीचे से जो डिब्बा मिले, डिब्बा like books हैं, एक एक करके stack करके अपने laptop रख दिया मैंने उस पे. Same thing my iPad is just kept on like boxes and books right now. And that's how you guys are seeing me also. So keep it eye level. Jo hai ghar pe usko rakh ke get it higher. And keep your camera in the center. Put it in the center. Look into the camera. Sometimes it's tough because it's iPad mein camera yahan hota hai, aap itna sabko dekh rahe hote ho. But like try to find the balance yahan pe beech mein dekho so that other person feels you're looking at them.
अदरवाइज क्या है, उसको लगता है कि आप राइट में देख रहे हो, लेफ्ट में कनेक्शन थोड़ा लॉस हो जाता है. बट इफ यू ट्राई टू फाइंड द बैलेंस, द पर्सन फील्स दैट यू टॉकिंग टू देम डायरेक्टली. Moving on from that, some settings that I'd like to go through for Zoom and such. Jab, if you're getting on a work call, there is a feature on Zoom jahan pe you can see your camera first. So you're like just FaceTime hai jo bhi hai, ab usko on karke dekh lo how you're looking, aapka background kaisa lag raha hai, and then just set up your call pehle se hi. फिर पीछे देख लो सामान क्लियर है, इट लुक्स नाइस एंड ऑल, तो इट जस्ट फील, यू जस्ट फील बेटर. आपका कमरा भी नीट लगेगा, चाहे इतना पार्ट ही क्लीन लगे जितना दिख रहा है, बाकी चाहे नहीं भी दिखे इट्स फाइन, एटलीस्ट फॉर द फ्रेम इट विल लुक नाइस. हम मेरा पीछे बहुत सामान था, आई जस्ट रिमूव्ड एवरीथिंग, देयर इज ओनली वन फोटो देयर ओवर नाउ. And so it's removed everything else. Hum pe thoda clear lage at least. Jitna aapke paas option hai. Then aap apne aap ko check out kar lo. Literally camera set karke just see if you're looking nice, if your dress is looking nice, if your clothes are looking nice. Fine to do. Change however you feel nicer with it. Perfect for you. Then. When you're joining a Zoom call, there is an option to mute your call before you join. So, in the settings, you can have an option that as you join, if you join in the middle of the webinar or something, your voice doesn't distract anyone, so it will just like join without audio, and you can even choose to join without video. But like up to your preference, but try to keep the audio mute so that no one else like who's already speaking does not get distracted if you're in the middle of it. If you join in the middle of it, find the Wi-Fi router if you already don't know where the Wi-Fi router in your house is, and be near it, because agar aap jitna dur jayenge aapka connection utna thoda poor aa sakta hai, and that will change your quality of the call. Screen ki brightness I've already covered. Audio major. Ghar ka quietest environment, find that quietest environment. Kamra jo you can't hear anyone else, क्योंकि सबको पता है किचन के बर्तन की आवाज आनी है, मेरे घर में भी बहुत आती है, and it's best that you find the place जहाँ पे वो बर्तन टूटने की आवाज ना आए. तो find that room, or if you don't have it, use these headphones. इसका mic is perfect, it's close to you, that is all it's gonna catch. Otherwise, सब कुछ चिड़ियों की आवाज, बर्तन की आवाज, सब कुछ आएगी. So prefer not to do that. A lot of the phones, I think bahut bari I've noticed with like family also, we are using our phones and bahut bari log apna mic cover kar lete, like we're holding it and like might just cover the mic. Now we, the other person can feel ki aapko usko awaaz nahi aa rahi, and you're like main to pakda hua hai theek se. Try to find the mic on your phone, it's very easy. That's my headphone jack, but yahan pe chota sa dot hai, it's a tiny dot. If you just look in your phone, yahan pe you'll find a tiny dot. And that is your mic. पीछे में फोन के ऊपर भी है एक mic. So like try not to cover. Find that mic is just a tiny dot on your phone. And if you're holding it, just don't cover it. Because बहुत सारे like if I'm talking to my family, बहुत बारी होता है कि it just covers it. Or if you're keeping it somewhere, keep it so that the mic doesn't get covered. तो फिर आपकी आवाज भी उधर जाएगी clearly properly. यहाँ पे तो एटलीस्ट लाइक वी हैव समवन म्यूटिंग एंड अनम्यूटिंग, बट यू कैन ऑलवेज लाइक इफ देयर इज नो वन डूइंग दैट, यू कैन ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ, एंड देन वंस यू डन यू कैन म्यूट योरसेल्फ इफ यू हैव अ लॉट ऑफ नॉइज़ गोइंग अराउंड यू. या आई थिंक दैट मोस्टली कवर्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू स्पीक अबाउट. सप्रति, आई हैव अ क्वेश्चन इफ आई मे आस्क. इट इज नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली, कैन आई आस्क? Of course, please go ahead. Yeah, Vedant, I just want you to cover up one thing also when you were talking about angle, that you know when like we are doing a session every day, and I, you think how good or bad it looks when there are people lying down on bed and people, you know, just sitting on a different angle. Do you think that is advisable, or do you think that we should you know, go at a good angle and then sit and maybe sit properly kind of a thing? Definitely sit properly. Like find the best. Like I'm wearing sitting on a chair. Most of you guys are
sitting on a table and a chair. So that's definitely good. But bahut bhari hota hai, like, we find really comfortable. Our beds are really comfortable, so we might just go sit on it. And that will not look as flattering. It will just make you look lazy or just like, okay, maybe see. But aapko pura chin nazar aa raha hai. It's not really flattering. Theek hai. And dusre ko bhi aisa lage aapko interest nahi hai itna. Like if you're like talking to someone. Usme advisable ye hai ki aap apna video off karke sun lo. That is there. And like if you want to show your video, aap just sit properly and, you know, be presentable. Vedant, one more thing. But the thing is, in video conferencing, if you choose to have your video off, it's again disrespecting the speaker. Because you have to be attentive and you have to be listened. You've made a decision to attend the session. You must open the video and you must sit attentively and listen. That is where Srajna's question is coming from. Lots of us need to be taught this etiquette. If you've chosen to attend a session, you better pay attention. The speaker has put in a lot of effort to prepare the entire session and do it, you know, pura frame has been working for a long time. And when the speaker sees only videos or with the people who are attending just their BPs, you know, it's disheartening. So one should, must, and so Vedant, you can properly suggest answer to this question. Kis tarike se baithe, kahan baithe, kaise baithe, ki when women are just lounging or even men for that matter, sara body posture is tarike ka hota hai, it reflects very poorly on different body parts. Both Sajna. I think he's talked on that. It is a general etiquette, I think, hai na? I think that's like jo aapka point, I think, mujhe bhi maa mein ek thought aaya isme. It's more like just say you're in a conference hall, let's say, and you're there. If the person on the stage is talking to everyone, he probably or she probably will be looking through everyone and seeing who's looking at them. And bahut bari hota hai koi apne phone pe, let's say, laga hua hai ya kuch nahi dekha hai. So it might distract them or they might feel they're not being as informative ki wo dusra shayad bore ho raha. So in this world, I guess, ye jo ab chal raha hai, like hamara video conferencing ab Zoom pe aa gaya hai. Yeah, video, like, pura video pe aa gaya, so it's, I think it's transferring to this, where if the other person is choosing to show their face, then they're choosing to show that I'm definitely here. If you're not choosing to face, I'm not, mujhe koi problem nahi, agar aap apna choose nahi karte, that's totally fine. Wo aapki choice hai, might be a situation because you might just want to hear it, might not really want to just sit there, you might be doing something else also. Totally fine, but if you do choose to show your face, I think it shows, like, mujhe, like I was just scrolling through and I, like, looking at everyone. It just feels nice how everyone's sitting. And some people actually changed in the middle, like, how they were sitting and, like, changed the light on their face also. So I'm really happy, like, people made the change. And it makes me feel, like, thought ja raha hai, there was process ho raha hai. So I think that comes from it. And, like, definitely sit properly if you're showing your face and, like, you know, doesn't look like you're lazy. Anita had a question about the lighting. So Anita, I would like to tell you, aapko agar aapne miss kar diya, toh the program is going to be on the Devdithi YouTube channel and Facebook Live also. So you can see there again. And if anybody has any other question, can come up, please. Write in the chat box. Vedant, are you done with your presentation or you want to something more? I think I am done with it. I feel like thoda bahut miss hua hoga in terms of, like, what everyone wants to know. So, like, feel free to just ask me kya hai, if you want to know something again, I'm happy to explain it. So we are opening the floor for questions. Srajna, can you just... Yeah, there are some questions. Let me just go back up. It says somebody is asking, HDR on iPhone, please, can't find settings. I can send... I can send a link in which you can just follow. It'll be easier because I don't have an iPhone with me to just immediately show, and neither of my family has an iPhone to. So Vedant, you can maybe share the link with Vandana and she can share it on the group. I was hoping I can just add it to my PDF and then everyone can just look through. My Android ka dal dunga, my iPhone ka dal dunga, and that's what I plan to do. Any of the settings that I feel are important, because even I look through sometimes when I don't find something, I'll find the settings. कि कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप करना है. इट मेक्स इट वेरी इजी टू, लाइक, जस्ट फॉलो दैट. उसके आई थिंक विल बी मच बेटर, बिकॉज़ आई डोंट हैव माय, लाइक, आई डोंट हैव एन आईफोन टू जस्ट इमीडिएटली शो हाउ आई कैन. परफेक्ट, परफेक्ट. ओके, सो कंचन हैज अ क्वेश्चन.
Sanchan, more questions also on the chat box, Rajna. Kanchan ko unmute kar do, she has a question. Kanchan ka haath phir se aage. Kanchan, aap unmute nahi ho rahi hain. Probably the Zoom is, yeah, you are unmuted now. Kanchan, go ahead please. Yeah. Hello, 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 hello Vedant beta. Bahut acha session hai. हाँ बेटा, गॉड ब्लेस यू. मैं एक बात पूछनी थी, जब मैं इंडिया साड़ी चैलेंज के लिए कुछ परफॉर्मेंस करती हूँ डांस की या कुछ, अगर उसको मैं फ्रंट कैमरा ऑन करके डांस परफॉर्म करती हूँ तो मेरा जो ज्यादातर डबल चिन ज्यादा आता है, और अगर उसको मैं हॉरिजॉन्टल करती हूँ तो मेरी नीचे की हाफ साड़ी की डांस परफॉर्मेंस नहीं आती. बड़ी मुश्किल होती है सेटिंग करने में. तो आप बताओ कि जब हम सेल्फ वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार नहीं फ्री होते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है हमें. फिर हम सामान ला ला के कभी चेयर्स रखते हैं, कभी टेबल्स रखते हैं, बड़ी मुश्किल होती है हमें. दो डेढ़ मिनट की परफॉर्मेंस में आधा घंटा सिर्फ सेट करने में लग जाता है, इतने में हमारा फोन गर्म हो जाता है. तो मुझे बस ये बताओ कि इंडिया साड़ी चैलेंज में साड़ी में डांस डालते हुए कैमरा कैसे रखना है और कितने उसको लेवल में रखना. आई कॉन्टेक्ट रखते हैं तो नीचे की साड़ी नहीं दिखाई देती, और इंडिया साड़ी चैलेंज की डिमांड होती है कि पूरी फुल बॉडी नजर आनी चाहिए, स्टाइल दिखना चाहिए. तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आंटी, एवरी मुझे भी आधा घंटा लगता है बहुत बारी सेटअप करने में. इट्स क्वाइट नॉर्मल, आपको सेटअप करने में आधा घंटा लगेगा ही लगेगा, विच इज फाइन. आप ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर थिंग्स टू पुट योर फोन ऑन, राइट. अब आपको बस ये चीज करनी है, यू जस्ट हैव टू फाइंड अ हायर ग्राउंड. अब आप वो नीचे रख रहे हो थोड़ा आपके क्या है वो, लेट्स से इफ यू आर डांसिंग, राइट, यू सेड राइट, तो उसमें ट्राई टू कीप द फोन लेट्स से सेंटर ऑफ योर बॉडी. आपका जो फुल बॉडी है उसके बीच में उस लेवल पे कहीं पे फोन होना चाहिए, एंड दैट फोन शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस नाउ, सो इट्स सीइंग यू लाइक उसका से एंगल ऐसे जाएगा और इट विल कीप यू कवर्ड कंप्लीटली. अब नीचे की तरफ होगा तो इट विल बिकम स्लाइटली लोअर बिकॉज यू वांट टू शो योरसेल्फ, राइट. वो थोड़ा नीचे हो जाएगा तो यू विल हैव टू टिल्ट इट डाउन, टिल्ट इट अपवर्ड्स टू शो योर फुल बॉडी. अब उसमें आपको फिर वो नीचे से एंगल ले रहा है, नीचे से वो आपका चिन दिख रहा है. अब उसको थोड़ा ऊपर कर दोगे, जैसे यहाँ पे ऐसे आपका फेस है तो यहाँ से आपका चिन्ह साड़ी नहीं दिखती ना. डबल चिन बचाने के चक्कर में साड़ी भी तो नहीं दिखती है. फिर हमारा बड़ा सेटिंग आउट होता है. मैंने यहाँ इंडिया साड़ी चैलेंज में जितनी भी डांस परफॉर्मेंस देखी है ना, सबके डबल चिन दिख रही है, गर्दन दिख रही है, आई कॉन्टेक्ट अच्छे नहीं आ रहे होते. साड़ी दिख रही है बस, ना उसका चेहरा अच्छा आता है, ना उसके फेस के अच्छे इंप्रेशन दिखते हैं. मतलब वो क्या एक्शन करना चाह रहा है, मतलब कंचन जी वो जो बता रहा है ना मिडिल सेटिंग का, आप वो सुनो. वो कह रहा है आप फोन मिडिल हाइट पे रखो. पीछे करो बट मेक श्योर वो ऐसे सीधा हो, एंड आप जब भी कर रहे हो यू विल सी योरसेल्फ. आप उसको पीछे करते जाओ, उससे दूर होते जाओ अंटिल यू सी योरसेल्फ कंप्लीटली इन द, उसमें वो सेल्फी में नजर आता रहेगा आपको. बट मेक श्योर वो ऐसे लेट ना हो या ऐसे लेट ना हो, क्योंकि बीच में होगा आप देखते रहो उसमें आपको कैसे नजर आ रहा है. यू हैव टू गो हायर, स्ट्रेट, हाँ, गो हायर अंटिल यू सी योर होल बॉडी. चाहे आप उधर रख के वापस जाओ, फिर रख के फिर वापस जाओ, थोड़ा एडजस्ट करा फिर वापस जाओ, अंटिल यू फाइंड द करेक्ट पोजिशन. अब बहुत बार ये होगा इट माइट नॉट बी एबल टू प्रॉप इट आउट समवेयर, तो वही मेरा. अब 20 बुक्स ले आओ, जो भी है पूरा रखो उसके ऊपर, एक लाइक यू माइट जस्ट कीप अ ग्लास ऐसे रख के ऐसे रख दो. Try to prop it up however possible. Why don't you suggest her a tripod? Tripod. I was coming to it. You can get a tripod. Uske bhi I think I'll just add links to it. You can get a phone tripod. Or apko tripod is just like you extend it, and apko phone is pe hold ho jayega. Bilkul. Tripod is the best option, and they're freely available and very reasonable. You know. Okay. So we have more people answering question. Sajna, Anju Jain. Yeah. Anju Jain has a question. Yeah, please unmute her. I'm not able to unmute Anju Jain. You're not? I was wanting to know what is depth effect when we take a picture. I'm trying to find your video. Let's see. Anju Jain? She's not with the video. She's Anju Jain, no, you have to switch on your video if you want your answer, please. It's okay. You want to know what depth perception is, right? And Jivitan. Right, depth perception, she said. Right, yeah. Depth perception is basically how
3D works. Let's say आपको 3D आपकी दो आंखें आपको 3D ही नजर आता है, जिससे आपको लगता है जैसे आईपैड इतना दूर है तो उसके पीछे वाली वॉल कितनी है. अब बहुत बार ही क्या होता है फ्रॉम आर ओन आईज, अगर वी कीप समथिंग दिस क्लोज लुक इन टू अ फोन, पीछे का सब कुछ ब्लर हो जाना है. आपकी आईज ऐसे ऑटोमेटिकली देयर जस्ट वर्क लाइक दैट. अब वो हाई एंड कैमराज में ऑप्शन होता है वेयर यू मेक योर लेंस सो दैट अगर आप इतना पास रखोगे कैमरा के, एवरीथिंग बिहाइंड इट विल स्टार्ट गोइंग ब्लर, तो डेप्थ उससे ऐड होने लगती है. अब आप जितना पीछे जाते रहोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी टेबल से मैं पीछे जाते रहूंगा तो एवरीथिंग केप्ट ऑन दिस टेबल विल बिकम स्टार्ट बिकमिंग थिनर फॉर मी. सब कुछ एक ही प्लेन पे नजर आएगा, मतलब एक ही लाइन में नजर आएगा. अब मैं जितना इस टेबल के पास आते रहूंगा उतना ही, जैसे मेरा लैपटॉप रखा, मैं आईपैड रखा, यहाँ पे ग्लास रखा, कि कौन सा आगे कौन सा पीछे, आई स्टार्ट टू नोटिस दैट मोर प्रोफाउंडली, कि मेरा फोन आगे है, फिर यहाँ पे बॉक्स है, फिर आईपैड आता है. अब मैं पीछे जितना आता रहूंगा उतना मुझे टेबल सेम लगने लगेगी, जितना पीछे अगर लेकिन यू जस्ट कीप गोइंग जितना डिपेंडिंग ऑन योर डिस्टेंस. सो दैट इज मोर ऑफ डेप्थ परसेप्शन विद द न्यू फोन्स. जब आप जैसे अगर आप गूगल पिक्सल या फिर जो आईफोन में पोर्ट्रेट मोड होता है उसमें व्हाट इट डज इज वो आपके फेस को मास्क करता है, मतलब यहाँ पे वो आउटलाइन ढूंढता है उसकी एंड उसके पीछे उसको ब्लर करने लगता है. सो इट्स मिमिकिंग व्हाट अ मैनुअल कैमरा डज नेचुरली साइंटिफिकली. सो इट्स मिमिकिंग दैट फ्रॉम अ लेंस दैट इज सीइंग वेरी वाइड. तो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है बट इट स्टार्ट ब्लरिंग आउट द बैकग्राउंड. So when does should we use question? The depth effect? When should we use it while taking pictures? Try to use it. जैसे अगर आप अपने portrait ले रहे हो, मैं selfie ले रहे हो, ऐसे you can use it. अगर आप किसी और की photo ले रहे हो, within if you can understand आपका 3 feet, 6 feet कितना है या फिर 2 meters कितना है, within 2 meters roughly 3 to 6 feet, 6 feet also works. उस distance में अगर आप किसी की photo ले रहे हो, it works the best. क्योंकि ये then it like starts blurring out the background. And it looks very nice. Depending on the new, like the latest phones have it much better now. Okay, thank you. I hope that we answers have, your questions. Yeah, we have another question from Avantika Agarwal. Avantika. Yeah. Hi. Hello. Hi. So I just wanted to ask that you know, so at times when we are clicking pictures or even if we're taking a video or we're having like a Zoom call, like. You know, regarding anything. So there is a lot of distraction, like, you know, because of movement, it gets like blurred and all that. So is there a way that we can like, you know, minimize that? Like, you know, somehow like jo pictures mein thoda sa aa jata hai, like, you know, movement effect or something like that. So what's the best? So talking about video calls, are you talking about video in general? As well as pictures, like both. Videos and pictures both. The first reason that happens is आपके कम लाइक जहाँ पे आप खींचो लाइट कितनी. इफ यू नोटिस ये सनलाइट में कभी नहीं होगा बिकॉज सनलाइट इज सो ब्राइट दैट योर कैमरा विल बी शूटिंग एट अ हायर शटर, मतलब बहुत जल्दी से इसे शट कर दो तो उसको इतनी लाइट अंदर लेनी नहीं है. तो इट डजंट लाइक इट्स ट्राइंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ दैट लाइट इज टेकिंग फ्रॉम द सनलाइट. अगर आप कमरे में लाइट कम है तो वो शटर ज्यादा देर ओपन रखेगा बिकॉज लाइट कम है, इट नीड्स टू टेक इन दैट लाइट कितना मतलब भरेगा तब आपका फेस अच्छा लगेगा. Now, जब वो ज्यादा देर खुला है एवरीथिंग starts blurring. अगर थोड़ा शेक होगा तो वो ब्लर होगा, वीडियो होगी तो थोड़ा सा ब्लर आएगा. बट इफ द लाइट इज इनफ प्लेंटी तो उतना कम शेक होगा. तो फाइंड द रूम विच हैज द मोस्ट लाइट, ब्रिंग इन मोर लैम्प्स जैसे भी है एंड मेक क्रिएट मोर लाइट इफ पॉसिबल. अदरवाइज डे टाइम इज द बेस्ट टाइम टू टेक वीडियोज ऑफ पिक्चर्स. ओके वेदांत, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम किरण शर्मा. She wants to know how can we take video ourselves. Could we elaborate on that question? How, like, I really in terms of? Can you unmute Sarjana? Can you unmute her? Yeah, I will. Yeah, Kiran Sharma. Kiran ji, you have to unmute yourself. Kiran Sharma ji, you will have to unmute yourself. At times what happens is that our settings don't let us unmute them. Okay. She's not able to unmute. We can go to the next question maybe. Okay. So, Sachna? Yeah. Kiran Sharma ji is not able to unmute herself. Yeah, she can type it out if she wants. I just want to know if a video isn't like in terms of how to take a video. She's, from the I basis think, or like...
I think she's asking for how to take a selfie video, like apne aap ki video. Hi, can you hear me now? Yes. I just wanted to ask you, how do we take video ourselves if there is nobody to take video and you want to shoot for yourself? What height you should keep your camera, your telephone, and how do you keep the light and about the movements? We would like to know that. My first question for you is, what video do you want to take? Like, oftenly, kya hai that you actually end up taking videos of? What are you doing? You know, Vedant, chahe kuch bol ke message dena ho, chahe chota sa banana ho. Yeah, exactly. Aur phir kuch dikhana ho ki ye dikhana hai, wo dikhana hai. So how do you do that when you there's nobody to take your video and you are alone? How do you do that? And the best thing to do is just hold up your phone or selfie pe and try to keep it as much eye level as possible. Ab mujhe dekh pa rahe, right? Okay. Keep it eye level as possible. So it's आपको सीधा दिखेगा and जो lighting है तो मैंने आपको I think I covered it and ऐसे ही you take a video and most हाँ तो इसमें just like take video like this the whole time आपका शायद हाथ दर्द हो जाए but the other option is just keep your phone somewhere like this तो आपके वो directly आपको नजर आते you don't have to keep holding your phone you just start recording और आप इसे देखते रहो उसमें बात करते रहो बहुत बारी option होता है you can just pick up your phone उसमें कैमरा चेंज करने का ऑप्शन होता है सो इफ यू वांट टू शो समथिंग आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा बात कर रहा अच्छा लगा ओके देन यू रिवर्स इट यू रिवर्स इट एंड देन यू स्टार्ट शोइंग एंड देन वंस यू गो बैक अब देन यू गो बैक टू योर फेस ऐसे गो स्ट्रेट आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी एंड योर फेस विल लुक नाइस देन डज दैट देयर टू क्वेश्चंस उसमें कि रात को हमें कैसे फोटोग्राफी करनी चाहिए और हमें फ्लैशलाइट कब यूज करनी चाहिए I feel flash is only needed जब बिल्कुल light ना हो या बहुत ही कम light हो तो sometimes phone can like the flash can help just fill some light तो बहुत ही dark environment है तब problem होती है अगर थोड़ा पुराना phone है तो तब शायद जरूर most of the new phones have a very good low light system तो उससे आपका already light flash की जरूरत कम पड़ती है And flash yeah, just whenever जब light बहुत ही कम है जैसे आपके पास option ही नहीं light बढ़ाने का then switch on the flash so that वो flash से जैसे sunlight है वैसे वो जोर की light फेंकता है तो then it freezes the thing that you want to shoot. All right, so we just have time for one question now. हाँ, जब मतलब there is another question in the chat. Hello. हाँ जी, there is another question in the chat. Look, but which question? How to take best picture at night? He just answered it. Okay. All right. There's somebody from the iPhone wants to ask a question. Somebody go raised for it. All right, Sajna, can you please unmute and let's go over the last question of the day. And as you can see, we'll have Vedant for a session soon because I can see the kind of response he's generating. Everybody wants Vedant. So we'll invite. I think I'll be better next time also. Okay, I have unmuted this iPhone. I don't know who it is, but I have unmuted them. How do we handle the specs when you take photographs? Remove them. A lot of times I just suppose I want it. With the specs. Suppose I want with the specs. Then make sure, जैसे अभी क्या है? Like you can see, मेरे सामने is like this. I'll show you. Let's see if I can clip this. राइट ऑन दिस वॉल सनलाइट आ रही है एंड यही लाइट मेरे आंखों में मेरे चश्मों में आ रही है और इवन दिस द लैम्प दैट आई पुट अवे इज शाइनिंग ऑन माय ग्लासेस राइट अब ये मेरे ग्लासेस का भी होता है समटाइम्स इट्स आल्सो व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज यू हैव द अदर ऑप्शन इज यू जस्ट चेंज ऐसे जैसे मैं थोड़ा ऐसे हुआ नाउ आई कांट सी राइट अब मैं ऐसे आता हूँ तो यू स्टार्ट सीइंग मोर तो अदर टाइम्स यू जस्ट हैव टू लुक कि कहाँ पे कम आएगा अगर आप खुद खींच रहे हो फोटो कोई और आपकी खींच रहा है उसमें प्रॉब्लम हो रही है लाइक फ्लैश हो रहा है लाइक मेरे ब्रदर को बहुत प्रॉब्लम होती है लाइक मैं जब भी फोटो खींचता हूँ मेरे ग्लासेस में फ्लैश आता है तेरे ग्लासेस में आता है लाइक आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंस आई डोंट नो व्हाई इज दैट हैपनिंग विद यू एंड नॉट मी तो मैं बोला जस्ट चश्मे उतार बिकॉज़ यू स्टिल लुक वेरी नाइस विदाउट द ग्लासेस इट्स ओके यू स्टिल योर फेस सो यू विल बी फाइन विदाउट द ग्लासेस फाइंड द बिग विंडो परफेक्ट लगेगा वो सॉफ्ट हो जाएगा सब कुछ ठीक है
So Vedant, we thank you from the bottom of our heart. Vannathi, so yeah. Concluding the session now. Yeah. So thank you, Vajil. Thank you so much. As we can see, Vedant Gupta at his young age has actually gathered so much knowledge and information that he is able to advise all of us, his seniors, his elders. So hum Devidi Foundation ki taraf se Vedant ko thank you bolte hain tahe dil se. और एक और सेशन बहुत जल्दी वेदांत के साथ इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे एंड वी विश वेदांत अ ब्यूटीफुल एंड अ वेरी हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट देवी फाउंडेशन बेटा मे यू डू रियली वेल इन लाइफ मे यू सक्सीड थैंक यू सो मच ऑलवेज बाय फॉर नाउ एंडिंग द बाय एवरीवन थैंक यू एवरीवन टुमारो वी हैव अ सेशन टुमारो ऑन ट्यूसडे देवी फाउंडेशन की पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज कल भी है परसों भी है थर्सडे को भी है एंड फ्राइडे सैटरडे सो लुक आउट फॉर अस एवरी सिंगल डे ऑफ दिस वीक वी आर ब्रिंगिंग ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स जस्ट फॉर यू विद स्पीकर्स हु विल ऐड लॉट्स ऑफ वैल्यू टू यू सो सी यू टुमारो एट 4 o'clock भाभी कल का बता दो सेशन कल का मेधा सेठ का है ऑन स्किन केयर एंड एवरीडे फेशियल एक्चुअली एवरीडे इज अ सेशन ऑफ सो मच वैल्यू मैं भूल जाती हूँ कितनी वैल्यू हम दे रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं प्लीज आप लोग आके और वैल्यू लीजिए सेशन से थैंक यू वेरी मच थैंक यू एवरीवन नमस्कार थैंक यू